गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक्सरसाइज का थर्ड सेट है आपका। सॉरी, ये थर्ड सेट है आपका और ये 2020 के सेट्स के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। एक तरह से 41 से ये 60 तक की एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। और ये जितने भी रूल्स मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर्स पे पढ़ाए थे बच्चों, उसी पर ये सारे दिए जा रहे हैं। एक दो सीरीज में आपका ये खत्म हो जाएगा, जो भी रूल्स आपको पढ़ाए गए, ये थर्ड सेट है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखें और बोलें क्या गलत हो सकता है इसमें। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। यानी जो फंड हमें मिलता है उसमें से जो अधिकतर है उसका हिस्सा जो हम अमेरिका से प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग इज यूज्ड किया जाता है टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, यानी सड़कों और पुलों के निर्माण में उन फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या गलत है यहां, आपको कौन से रूल पे दिया गया है? मोस्ट ऑफ पे दिया गया। आपको याद होगा मोस्ट ऑफ प्लस अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी, यही होगी ना। और अगर मोस्ट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल ले लें, बल्कि अनकाउंटेबल नाउन है आपका, तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो भी आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहां पे क्या लग रहा है आपको? मोस्ट ऑफ द फंड्स दिया गया है ना, मोस्ट ऑफ द फंड्स का क्या मतलब है, सिंगुलर या प्लूरल? समझ सकते हैं बच्चों आप, ये फंड्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है ना। तो अगर मोस्ट ऑफ द फंड्स प्लूरल है फंड्स के रूप में तो आप इज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या इज हो सकता है यहां पे? नहीं हो सकता है। आपको क्या लेना होगा इसके बजाय? क्या लेना होगा? आर लेना होगा, यही ना। यानी इस का प्रयोग न करके आज करिएगा। आप याद कर लीजिएगा मोस्ट ऑफ के साथ यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगी, मोस्ट ऑफ के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन है या सिंगुलर नाउन है तो फिर वो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है। टू आवर सरप्राइज वी नोटिस्ड दैट every soldier and every sailor was in his place. To our surprise means होता है हमें बहुत आश्चर्य हुआ। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कब? We noticed जब हमने देखा that कि every soldier, हर एक soldier, तो यहाँ देखें कोई गलती है कि नहीं every soldier में, and every sailor यहाँ कोई गलती है कि नहीं, was गलत है कि नहीं और his गलत है कि नहीं। टू आवर सरप्राइज सही बच्चों, ये कोई एरर नहीं आपकी है, एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है। वी noticed सही है, हमने देखा, हमने ध्यान दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, सही है। दैट सही है। एवरी सोल्जर तो ये तो सही है ना, एवरी के बाद हमेशा क्या लेते हैं आप? सिंगुलर लेते हैं, कल के बैच में मैंने पढ़ाया हुआ था। एंड एवरी सेलर ये भी सही है, एवरी के बाद सिंगुलर है, यानी दोनों सही है। वाज, अब ये हमको पता करना है कि अगर एवरी है तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। याद है आपको, अगर एवरी के साथ है तो नाउन तो सिंगुलर है ही यहां पे, इसका मतलब वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अर्थात ये वाक्य क्या है आपका? सही है। क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग समर। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का एक जो ग्रुप है, एक समूह जो है, माइग्रेट, वो पलायन कर जाता है
फ्रॉम साउदर्न पार्ट, कहाँ से? साउदर्न पार्ट, जब साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न वगैरह लेते हैं तो उसके पहले द नहीं लगाते, ठीक है? तो सही है, फ्रॉम साउदर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, ये भी सही है। ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। टू द नॉर्दर्न पार्ट, ये भी सही है। फ्रॉम का कॉम्बिनेशन किससे लगा यहाँ पे? टू से, सही है। टू द नॉर्दर्न पार्ट, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ अजीब है ना, पहली चीज टू द नॉर्दर्न पार्ट स्पेसिफाई किया गया ड्यूरिंग समर, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी एरर हो सकती है, लेकिन प्राइमरी एरर कहीं और है। प्राइमरी एरर क्या है बच्चों? वो ये है कि चिड़ियों का क्या है, एक समूह है ना, चिड़ियों का एक समूह है। अगर चिड़ियों का एक समूह है तो फिर वर्ब माइग्रेट कैसे ले रहे हैं आप? माइग्रेट क्या है? प्लूरल है ना, तो आपको इस माइग्रेट में क्या जोड़ना होगा? एस, ये होगा ना। तो अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पे माइग्रेट में? एस जोड़ देंगे, माइग्रेट्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बच्चों, बट आसान होगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर है। ये सारे मैं वही दे रहा हूं जो आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। आफ्टर द एब्सेंटी बैलेट्स हैड बीन काउंटेड, यानी जब एब्सेंटी बैलेट्स यानी उन लोगों के बैलेट्स को चेक कर लिया गया, गिन लिया गया जो एब्सेंट यानी जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी, उसके बाद द टोटल ऑफ द ऑथराइज्ड वोट्स कॉस्ट, यानी कौन से एब्सेंटी उनको काउंट किया गया, द टोटल ऑफ ऑथराइज्ड वोट्स कॉस्ट इन द इलेक्शन, यानी इलेक्शन में जितने सही वोट कॉस्ट पड़े हुए थे उस इलेक्शन में वर वन थर्ड लेस, वो एक तिहाई कम थे देन व्हाट हैड बीन प्रेडिक्टेड, उसकी अपेक्षा जिसकी प्रेडिक्ट किया गया था, अनुमान लगाया गया था, भविष्यवाणी की गई थी। अब हमें ये देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है। आफ्टर द एब्सेंटी बैलेट्स, यही ना, आफ्टर द एब्सेंटी बैलेट्स हैड बीन काउंटेड, ये तो पूरी क्लास हो गई आपकी, हैड बीन काउंटेड, द टोटल, ये है आपका द टोटल ऑफ द ऑथराइज्ड वोट्स कॉस्ट, यानी जितने ऑथराइज्ड वोट कॉस्ट हुए थे उनका जो टोटल था, क्या उनका टोटल अर्थात उनका जो पूरा समूह था, एक पूरा इकट्ठा जो नंबर था इन द इलेक्शन वर, आपने पढ़ा है बच्चों प्रीपोजिशन के बाद आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन से पहले होगा, यानी सब्जेक्ट क्या है आपका द टोटल, तो द टोटल क्या होगा सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर होगा, तो अगर सिंगुलर होगा तो वर कैसे होगा, वर के बजाय क्या हो जाएगा यहां पे वाच हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप दोबारा देखिएगा और ये पता लगा लेंगे जवाब कि यहां द टोटल हमारा क्या है सब्जेक्ट और द टोटल के साथ हमने क्या लिया वर, तो ये गलत है, तो आपको आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लें और ये इंपॉर्टेंट बच्चों, अक्सर एग्जाम में अ वैरायटी, द वैरायटी, अ मेजॉरिटी वर सब दिए जाते हैं जो मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है। अ वैरायटी ऑफ, जैसे ही आपने अ वैरायटी ऑफ या अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ बिग नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ दिया गया हो, तो दो चीजें क्लियर कर लें आप, क्या किनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और इसके साथ वर्ब भी हमेशा क्या रहेगी आपकी प्लूरल रहेगी। तो क्या है यहां पे अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, पहली शर्त तो पूरी हो गई, इन द शॉप, इन शॉप में जो प्लीजेंट आइटम्स की वैरायटी थी अट्रैक्ट, सही है या गलत? अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्ट्स होगा, क्या होगा बच्चे? अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, सही है ना, तो यहां पीवी आपको लेना है और ये पहले से क्या है आपको दिया गया है, तो यहां पे आपका कोई एरर नहीं होगा आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरिड दैट एज सून एज द प्रोजेक्ट इज ओवर, यानी वो चिंतित हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा दे विल लूज देयर जॉब्स, उनकी नौकरी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, क्या गलत है देख लें।
सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरीड दैट एज सून एज द प्रोजेक्ट इज ओवर, ये तो सही ना, द प्रोजेक्ट के साथ इज है, तो सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरीड में कोई गलती है क्या, ये भी सही है। दे विल लूज मॉडल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ देयर और देयर के साथ जॉब्स, सही है। यहां कुछ गलत हो सकता है। सम ऑफ आवर स्टाफ, स्टाफ में से कुछ लोग, यही ना, स्टाफ में से कुछ लोग, अगर कुछ लोग हैं तो फिर वरीड इज के साथ कैसे होगा बच्चों, क्या इस सही, यहां पे गलत है। ये देखें, अगर आप ले रहे हैं सम ऑफ द वाटर तो सही है, इज हो जाएगा, लेकिन अगर आप ले रहे हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स तब क्या हो जाएगा, आर। तो अगर सम ऑफ द स्टाफ है, स्टाफ काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल कलेक्टिव नाउन के रूप में, प्लूरल के रूप में आप ले सकते हैं, तो इसमें से सम मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे ना, दो तीन चार पांच दस, तो फिर यहां इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा, हो जाएगा। तो जहां पे इज है यहां इज के स्थान पे क्या लगा लें आप, क्या लगा लें, आर लगा लें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ, जैसे ही आपने द मेजॉरिटी ऑफ देखा तो क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि द मेजॉरिटी ऑफ के बाद अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फिर आपकी वर्ब भी क्या होगी, क्या होगी बच्चों, प्लूरल वर्ब होगी आपकी। अब देख लें, मिला लें आप, द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स है ना प्लूरल, अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस यानी वो इन्वेस्टर्स जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं उनकी जो मेजॉरिटी है, तो वर्ब आपकी प्लूरल आनी है। अब देख लीजिए क्या आया होगा बच्चों, मिला लीजिए, इज होगा क्या, नहीं होगा, या इसके बजाय क्या हो जाएगा आपका, आर। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस रिवीजन है कि जितने आपने रोज पढ़े उसको पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यर्थ क्वेश्चन। देयर इज नो डाउट यानी इसमें कोई शक नहीं है दैट की द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, कर लेंगे बच्चों तो बिल्कुल आसान हो गया ना, वर्कर्स है मेजॉरिटी के साथ तो इज कैसे होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। वेजेस आप याद रखिएगा, वेजेस में से यहां पे पारिश्रमिक मजदूरी, देयर इज नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है दैट की द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो मेजॉरिटी बहुमत है, आर इन फेवर ऑफ, वो इस फेवर में है ऑफ इंक्रीजिंग द वेजेस की उनकी तनख्वाह की मजदूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ। अब यहां देखिए मैंने आपको तीसरा प्रश्न दिया था मेजॉरिटी, लेकिन देखिएगा द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड्स नहीं बच्चों, बोर्ड है, आर। अब यहां आपको द मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड्स नहीं, बोर्ड है, एक ही बोर्ड है, तो फिर मेजॉरिटी के साथ आर कैसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे आपका, इज हो जाएगा, समझ गए होंगे बाप। यानी अगर द मेजॉरिटी है तो आप देख लें इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑफ के साथ, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर इसका मतलब कि आप मेजॉरिटी को क्या रखेंगे, आप सिंगुलर रखेंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ। अगर प्लूरल है तो आप क्या रखेंगे, प्लूरल वर्ब के साथ। अगर आप लोग सिंगुलर काउंटेबल कैसे मेजॉरिटी आएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा सिंगुलर दिखेगा बच्चों, वास्तव में बोर्ड है, बोर्ड में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं लेकिन बोर्ड चूंकि एक ही है इसलिए वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। टेंथ क्वेश्चन, हाफ द वे, द नंबर, चीजें अब आसान होनी चाहिए बच्चों, जैसे द नंबर देखे आप तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, दो चीज कि द नंबर अगर आपके पास है तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, आएगा, लेकिन सिंगुलर क्या आएगी, वर्ब आएगी आपकी, सही है। तो द नंबर ऑफ एम्प्लाइज, ये तो सही है ना, एम्प्लाइज
रिपोर्टिंग सिक, सही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है, हैज रेडियोस्ड। ये कब गलत होता? यदि हैज के बजाय क्या दिया गया होता, हैव, तभी क्या होता, गलत। तो हैज रेडियोस्ड सही है ना, सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव, यानी इस वाक्य में क्या है आपका, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहां भी आपको मोर देन मैंने पढ़ाया था, उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं आपके। मोर देन वन साइंटिस्ट, याद करें, मोर देन वन की पोजिशन में क्या होता है, याद है आपको, आपकी जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, सही है। तो मोर देन वन साइंटिस्ट हैव, कितना आसान हो गया, देखिए इस हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दिस वेंचर, यानी साहसिक कार्य में एक से अधिक साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आप कहेंगे सर प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि मोर यहां पे वन साइंटिस्ट साथ जुड़ा, इसलिए मोर को क्या मानेंगे आप, सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए उल्टा हो गया आपका, मोर पर्संस देन वन। अब जैसे ही आपने देखा मोर के साथ क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। अगर प्लूरल आया तुरंत समझ जाएं अब आपके पास कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो मोर पर्संस देन वन हैज बीन, गलत है ना, इस हैज के बजाय क्या हो जाएगा बच्चों, याद है, हैव हो जाएगा। तो मोर पर्संस देन वन हैज के बजाय हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस क्वारल, यानी एक से अधिक लोग इस क्वारल में क्या रहे हैं, शामिल हैं, इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो मोर पर्संस था प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी, प्लूरल हो जाएगी। ये 13th क्वेश्चन पे आ गए हमको, इन ऑस्पिशियस नंबर पे, बोले मोर देन 20 डॉक्टर्स, ये रूल भी याद कर ले, तीसरा भी मैंने आपको दे दिया, मोर देन 20 डॉक्टर्स, तो ये देन के बाद तो 20 डॉक्टर्स है ना, प्लूरल आ गया, इसका मतलब मोर को भी क्या मानेंगे आप, प्लूरल ही मानेंगे, तो फिर कर लेंगे, बिल्कुल आसान है आपके लिए, कर लेंगे बच्चों, इसके बजाय क्या हो जाएगा आपका, इसके बजाय आर हो जाएगा, मोर देन 20 डॉक्टर्स आर एब्सेंट टुडे फ्रॉम द हॉस्पिटल। इससे अब क्या सीखा होगा आपने, कि अगर मोर देन वन है तो आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, लेकिन अगर मोर देन टू थ्री फोर फाइव जितने भी हो, अगर ये हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेंगे, और अगर यहीं पे आपके पास मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लूरल हो जाए, ठीक है। तीनों पॉइंट्स तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपने पढ़ा था, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दिया गया है ना, लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, जब डिस्टेंस दिया गया है उससे संबंधित नाउन, इसका मतलब 10 किलोमीटर्स सिंगुलर होगा या प्लूरल, बोले बच्चों, निश्चित कोई इकाई हो, निश्चित राशि हो, निश्चित दूरी हो, निश्चित वजन हो, निश्चित मात्रा हो, तो याद करें निश्चित मात्रा के रूप में ये क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा तो फिर ऑलरेडी क्या है आपके पास, सिंगुलर है, तो बिल्कुल इजीली आ जाइए क्या, नो एरर पे टिक करिए और दो नंबर्स ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोले टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेंपल, समझ रहे होंगे, हमारे ग्रैंडफादर का जो वेल्थ था, उनका जो संपत्ति थी, उसका दो तिहाई हिस्सा वर डोनेटेड, दान में दे दिया गया, फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेंपल्स, यानी पुराने मंदिरों के रिनोवेशन में, पुनः उनके निर्माण में, ठीक है, क्या गलत है बच्चा, टू थर्ड्स, अगर वन फोर्थ थ्री फोर्थ वर्ग रूल आपको याद है, अगर कहीं वन फोर्थ है प्लस आपके पास क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो भी जो आपकी वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर हो, ठीक है। अगर आप समझिएगा, अगर ये चार लोग होंगे तब, अगर ये ज्यादा लोग होंगे तो इस सिंगुलर के बजाय आपकी वर्ब क्या हो सकती है बच्चों,
प्लूरल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये वन फोर्थ के बजाय टू थर्ड्स हो और इसके साथ कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो ऑलरेडी आपकी वर्ब हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, सही रहेगी ना। अगर टू थर्ड्स के बजाय थ्री फोर्थ्स हो और इसके साथ भी आपके पास कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो भी वर्ब आपकी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। लेकिन इसके विपरीत जो मेन चीज याद रखने की आपको, ये वो ये है कि अगर मान लीजिए यही वन फोर्थ है, वन फोर्थ है या टू थर्ड्स है या थ्री फोर्थ्स है और इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये ध्यान रखें, रूल तैयार कर लेंगे। अब यहां देखते हैं टू थर्ड्स के साथ क्या है। टू थर्ड्स हमने देखा और इसके साथ है ग्रैंडफादर्स, वेल्थ, वेल्थ मतलब अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो फिर वर्ब कैसे ले सकते हैं, यहां वर्ब के साथ क्या होना चाहिए था, वर्ब के स्थान पे वाज, वर्ब विल बी रिप्लेस्ड विद वाच, रिप्लेस्ड बाय वाच। चलिए यही क्वेश्चन देखिए मैंने दूसरे तरीके से दिया। मैंने क्या दिया बच्चों, एक क्वेश्चन सारे एग्जाम के आपके हैं, थ्री फोर्थ्स है लेकिन इसके बाद देखिए क्या है, द मेनो प्लूरल है ना। आप क्लियर हो जाए कि अगर थ्री फोर्थ्स और टू थर्ड्स वगैरह के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, द मेन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अगर प्लूरल हो जाएगी तो यहां दिया क्या गया है, सिंगुलर दिया गया है, तो हैज के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया गया था थ्री फोर्थ्स के साथ। 17th क्वेश्चन पे आ गए बच्चों हम लोग, ये मैं जल्दी से आपको करा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि इजी है सब, बस रिवीजन की जरूरत है आपको। टू एंड टू पढ़ाए थे मैंने बच्चों आपको, जो फ्रैक्शंस होते हैं, डिजिट्स वगैरह ऐसे एंड से जुड़े होते हैं, इन्हें ट्रेडिशनली आप क्या मानते हैं, याद है आपको, आप इन्हें सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल मानते हैं, क्या मानते हैं, आप इन्हें सिंगुलर मानते हैं, तो टू एंड टू आर कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे इज हो जाए, टू एंड टू इज इक्वल टू फोर। वैसे कुछ जगह पे अगर प्लूरल दिया गया तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, आपकी प्रीफ्रेंस हो सिंगुलर में होनी चाहिए। अगर ऐसे दिया गया हो फाइव टाइम्स सिक्स, अब यहां लेंगे इज ओ थर्टी, सही है, फाइव टाइम्स सिक्स इज थर्टी, लेकिन अगर यही होता फाइव सिक्सेस तब क्या हो जाता, आर थर्टी हो जाता, ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो टू एंड टू आर के बजाय क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर, या ऐसे ये वाक देख लें अगर याद हो आपको, टू एंड टू और यहां क्या हो जाएगा, मेक्स फोर हो, ट्रेडिशनली आपको मेक्स से यूज करना होगा। और ये क्वेश्चन आपका आ गया 18th क्वेश्चन बच्चों, कर सकते हैं आप, ही वॉकड फाइव माइल्स, ही वॉकड फाइव माइल्स विच, ये विच किसके लिए है, फाइव माइल्स के लिए, विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, और फाइव माइल्स से संबंधित नाउन दिया गया है, तो क्या लेंगे आप, आर लेंगे या इज लेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे आप, क्या लेंगे बच्चों, ये निश्चित दूरी हो गई बच्चों, क्यों, क्योंकि इसका नाउन इसके साथ डिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो फिर यहां ये विच किसके लिए लगा, माइल्स के लिए, फाइव माइल्स, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, तो अगर सिंगुलर होगा तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इज हो जाएगा। ठीक, चलिए, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, वन ऑफ के बाद हमेशा कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सही, लेकिन वर्ब क्या आनी चाहिए आपकी बच्चों, वन ऑफ के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, हमेशा सिंगुलर है क्या,
वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर है क्या? गलत है ना? क्या वन के हिसाब से आर लग सकता है? नहीं ना, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और ये आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, यानी उसके लेक्चर्स में से एक भी नहीं हैव एवर बीन प्रिंटेड। क्या नहीं हुए? कभी प्रिंट नहीं हुए। क्या नहीं प्रिंट हुए हैं? उसके लेक्चर्स में से एक भी नहीं। हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? वन, प्रीपोजिशन के पहले वन। अगर ये वन हमारा सब्जेक्ट है कर लेंगे तो हैव क्या हो जाएगा आपका यहां पे? हैज हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा आपकी स्पीड में ले लें क्योंकि सारी चीजें करीब करीब आपकी इजर लेवल पे हैं। ये सिर्फ रिवीजन है आपका। अब इनसे संबंधित अगर एरर्स आपको दी जाए तो आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जितने भी 1, 2, 3 ये सेट्स मैंने तीन सेट्स मैंने करा दिए, कुल 60 क्वेश्चंस मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे सारे रूल्स पर वो दिए। लास्ट सेट मेरा शायद कल रहेगा आपका, तो उसमें आप देख सकते हैं जो बचे खुचे होंगे क्वेश्चंस वो भी मैं दे दूंगा आपको, ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे जाते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए सारी क्वेश्चंस देख लीजिएगा तीनों सेट्स के, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। मुझे ऐसा लगा कल का जो सेशन था आपका, कुछ बच्चों को शायद और लगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, जब कुछ तो मैंने मेहनत किया हुआ था, शायद ज़्यादा मेहनत किया था मैंने, तो आज तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही रहा, कल तो मैंने बेहतर पढ़ाया था, बट मुझे लगा तीनों डिसलाइक्स थी जो क्यों हुई, मैं कोई बच्चा बताए भी नहीं ऐसा क्या हो गया, उसमें क्या कमी रह गई, जबकि वहाँ पे तो मैंने सारे रूल्स वगैरह भी पूरे समझा करके आपको दिए थे मैंने, तो ये रिस्पांस थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। अगर दिक्कतें हैं बच्चों मेरे साथ शेयर करें, क्या चीज़ वहाँ कमी रह गई, क्योंकि वहाँ तो मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने पूरी मेहनत किया हुआ था, एक एक रूल पर मैंने पूरा बारीकी समझाया था कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर भी अगर डिसलाइक्स हैं तो थोड़ा सा ऑड लगा मुझे। फिर भी चलिए तीन सेट्स हो गए, लास्ट सेट आपके पास कल रहेगा। एडिटोरियल का सेक्शन मेरा चल रहा है रेगुलर 9 बजे से, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसे कम करूं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा बच्चों, अगर आप सोचें अगर मैं सारी वर्ड्स को डिस्क्राइब करूंगा, सारी पैसेज जितने हैं एडिटोरियल के सारी एक एक शब्द में पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा तो आपको देना ही होगा, बट उससे पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। स्पेशली जो लास्ट में सारे मैं वर्ड्स आपको रिविजन कराता हूँ, 44 वर्ड्स वो होते हैं जो उस एडिटोरियल में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो जरूरी है वो सब मैं आपको देता हूं, ताकि मॉडरेट बच्चों की भी तैयारी हो जाए, अच्छे बच्चों के भी। तो कहीं कहीं वो जरूर करें आप, शुरू में जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो जरूर पढ़ें, और एडिटोरियल पढ़ने की क्या डालें आप, आदत डालें। ठीक है, और लास्ट इंफॉर्मेशन आपकी, शाम को 5 से 6 कहिए, अभी तो छोटे छोटे शायद सेगमेंट्स हैं 20-25-23 मिनट के, ये बैच आपका मैथ्स का बेसिक्स ऑफ मैथ्स के नाम से चल रहा है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, बच्चों के रिस्पांस के ऊपर अगर बेहतर होता है तो इसे और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, जरूर अपनी राय रखा करें, जहाँ पे कमियां हो बच्चे बताएं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं बच्चों कि आप नहीं कोई चीज़ पसंद करते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बताएं मुझे, सजेस्ट करें कहाँ यहाँ सर कमी रह गई, तो उस चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जल्दी ही मेरा प्रैक्टिस बैच इसी पर शुरू होगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेक्शन, तो इसी पर प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट करूंगा, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा क्या प्रैक्टिस बैच आपके लिए सूटेबल रहेगा, स्पेशली सीजियल लेवल पे जो प्रैक्टिस बैच आपको कराया जाएगा, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कल 9 बजे फिर आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से और बेहतर सुधार किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।